हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से वेट लॉस जर्नी कर रहे होंगे मेरे संग। लो जी, वेट अपडेट भी दे दिया और आपको दिखा देती हूँ अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि मैं 7-7:30 बजे के करीब ले लेती हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ जिंजर लेमन टी, थोड़ा सा हनी भी ऐड कर दिया था इसमें मैंने। और हमेशा ड्रिंक को, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज कर ही लें, ठीक है, वरना वो आदत पड़ जाएगी, वेट लॉस नहीं होगा। फिर ब्रेकफास्ट में मैंने एक ब्राउन ब्रेड ले लिया था और साथ में है एक अंडा। अंडा जो है मैंने 1/2 टीस्पून देसी घी में फ्राई कर लिया था, ऊपर से ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ। मुझे अंडे में नमक ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे। और फिर उसके बाद मैंने पी चाय, जो कि मैं हमेशा पीती हूँ, बचपन की आदत है भाई, नहीं जाने वाली। और ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और आप भी 8-8:30 बजे तक कर लें, ठीक है। और मेन मॉर्निंग स्नैक का दिखा देती हूँ भाई, विंटर्स आ गई हैं, मुबारक हो। और यहाँ दिल्ली में बहुत ठंड हो गई एकदम से, तो यहाँ पर मैं ABC जूस ले रही हूँ। आप कोई सीजनल फ्रूट्स भी ले सकते हैं या सोक किए हुए नट्स, बट अभी विंटर्स हैं, मैं जूसेस ऐड करने वाली हूँ अपनी डाइट में, ये। चलो लंच का दिखा देती हूँ। लंच में मैंने आज दाल की खिचड़ी बनाई थी, साथ में है रेड वाली चटनी, जो लहसुन और साबुत मिर्चों की जो बनती है, और एक क्यूकम्बर है। तो ये मेरा लंच है। और राइस की क्वांटिटी बहुत कम है, जब मैं इसे बना रही थी तो मैंने राइस कम लिए थे, वो दाल ज़्यादा ली थी। लाल वाली दाल होती है ना, मलका दाल, कौन सी होती है, मसूर दाल, हाँ वो ही है। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अली के, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा, और हमने यहाँ मैंगो शेक पी लिया। बस निकल गई हूँ, बस इसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रही हूँ, मम्मी के घर जाऊँगी, फिर वहाँ से सलमान के साथ डेंटिस्ट के जाना है। तो ये रहा रेड फोर्ट, और हमें मतलब रेड फोर्ट पर उतार दिया था ऑटो वाले ने, और ये चांदनी चौक का गुरुद्वारा है। मैं यहाँ सोचती हूँ कि मैं आऊँगी और वीडियो बनाऊँगी, बट इतने दिन हो गए, हो ही नहीं पा रहा। फाइनली हम लोग आ गए हैं डेंटिस्ट के, उसके ना दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कीड़ा लगा हुआ है उसमें, पस वगैरह आ गई है। तो बस इसी चक्कर में बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था, स्कूल की भी छुट्टियाँ हो रही थी इसकी, और अभी से पेन किलर दे रखी है, तो अभी थोड़ा सुकून में है। फिर अम्मी के आके मैंने चाय वगैरह पी भाई, मुझे चाय की क्रेविंग बहुत होती है, और जब मैं थक जाती हूँ तब तो ज़्यादा ही होती है, थकान उतारती है। एवरीवन वेलकम बैक, और मैं आ गई अम्मी के घर। अम्मी के घर क्यों आई हूँ देख लिया होगा, असल में वहाँ जो भी डॉक्टर थे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था अली का, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ सलमान बोला अच्छा है, इनका मुँह देखो तो अली इसके दांत में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कीड़ा लगा हुआ है एकदम से दोनों दाड़ों में, तो वहाँ डॉक्टर बोले कि इसको खाना पड़ेगा, बट हम उखलवाना नहीं चाह रहे थे, अभी बच्चा छोटा है, सही नहीं रहता। और बस यहाँ आए हैं, यहाँ पर क्या होगा सही सलमान, इसको क्या था, RCT RTC करती रहती हूँ, RCT होगा इसका, और बस आज तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आ गई थी घर पे वापसी, बस इसलिए आ जाना हो गया मेरा बीच में। बाकी जयान कुछ कहना चाहेंगे जयान को पता नहीं क्या हो गया। हेलो भाई साहब, बस बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं अपनी नानी के घर, अभी अपनी मामी के रूम में है ऊपर, तो बस यहीं पर मस्ती वस्ती कर रहा हूँ, सफूरा लगी हुई है अपनी बॉल में, बोलने लगी हुई है ना वो, पानी का इंडेक अच्छे से नहीं जा रहा मेरा, मतलब सुबह पिया था, दोपहर पिया था, आके वैसे एक ग्लास पिया है मैंने, मतलब 2:30 बजे से अभी तक बस एक ग्लास ही पानी का आया है, बाकी मैं भी पीने वाली हूँ। तो बस कल मेरा अपडेट देना है आपको कि कितना आया है मेरा अपडेट। डिनर में मैंने मूंग दाल ले ली थी और थोड़ा सा देसी घी का पका रहे, इसमें एक रोटी, साथ में 2 पीस मैंने चिकन के ले लिया था और प्याज है। तो ये रहा मेरा आज का डिनर, मैंने कोशिश किया कि भाई हेल्दी ही खाओ, था और कुछ भी, लेकिन मैंने यही खाया। और फिर घर आने के बाद मैंने बनाई थी जीरा टी। चलो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।